स्किन टाइप, स्किन टोन, स्किन अंडरटोन्स, अब ये क्या होता है मेकअप में और इसका यूज क्या है, या फिर ये कितने टाइप के होते हैं, या फिर मेकअप से इसका क्या लिंक हो सकता है? तो क्या आपके माइंड में भी यही सब क्वेश्चंस घूम रहे हैं? तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज वर्तिका। सो आ चुकी मैं अपने चैनल पे दोबारा से वापस ऐसी चिट चैट वीडियोस लेकर, एंड खूब सारी ऐसी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है एक एक करके हम सॉल्व करते हैं एंड आपको मैं सॉल्यूशंस बताऊंगी इसके। सो चलिए अब हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं एंड डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि मेकअप से स्किन टाइप, स्किन टोन और स्किन अंडरटोन का क्या लिंक होता है। सो इफ यू आर अ मेकअप बिगनर, अगर आपने अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है या फिर आप आगे चल के मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे बढ़ना होता है एंड हर चीज के लिए आपको सीढ़ियां पार करनी होती हैं। तो बस ये समझ लीजिए ये पहली सीढ़ी है मेकअप के लिए, एंड आपको इन चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक चीज है एंड इसके बिना आप मेकअप नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्किन टाइप के बारे में। सो बेसिकली होती है 5 स्किन टाइप्स, वैसे तो होती हैं 4, पर एक हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं विच इज अ सेंसिटिव स्किन टाइप। ये एक्चुअली टाइप नहीं होता है बट एक कंडीशन होती है स्किन की, लेकिन हम उसको टाइप में ही इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑयली स्किन टाइप की, जो कि काफी सारी लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान होती हैं अपनी ऑयली स्किन को लेके, जिसमें से कि एक मैं भी हूं, क्योंकि मेरी स्किन भयंकर वाली ऑयली है। तो ऑयली स्किन कैसे पता चलेगा कि आपके क्लाइंट की स्किन कैसी है? तो कुछ भी मेकअप करने से पहले ना आपको स्किन को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कैसे पहचानेंगे आप, इन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। तो ऑयली स्किन वालों की पहचान कैसी होती है? उनकी जो स्किन में पोर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एनलार्ज होते हैं, या फिर ओपन पोर्स आप कह सकते हो। उनकी स्किन में आपको अलग से एक्ने मार्क्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्लैकेट्स देखने को मिलेंगे, व्हाइटर्स देखने को मिलेंगे, एंड पिंपल्स काफी ज्यादा होते हैं ऑयली स्किन वालों की स्किन में। और ऐसे स्किन टाइप वालों की जो स्किन है वो काफी ज्यादा शाइनी और ग्रीसी होती है, वो कुछ ना भी लगाएं फेस वॉश करके बैठ भी जाएंगे ना आधे घंटे बाद, अलग ही वो ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है स्किन से। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि ये जो स्किन टाइप है वो है ऑयली स्किन टाइप। नाउ सेकेंड स्किन टाइप हमारा आता है वो है ड्राई स्किन। सो ड्राई स्किन वालों का क्या सीन होता है ना, इनकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई फ्लेकी होती है, और ऐसे स्किन वालों के जो पोर्स होते हैं वो आपको इतने ओपन देखने को नहीं मिलेंगे, वो क्लोज पोर्स ही होते हैं, और इतना ज्यादा ब्लैकेट्स देखने को भी नहीं मिलते हैं इनकी स्किन में। प्लस इनके स्किन में पिंपल्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ड्राई पैचेस होते हैं, ड्राइनेस होती है। कभी कभी क्या होता है ना, इनकी स्किन कहीं कहीं से पील हो रही होती है जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, ठीक है। प्लस इनकी जो स्किन है इसमें रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, फाइन लाइन्स आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि ये स्किन टाइप ड्राई स्किन के अंदर आ रही है। थर्ड हमारी स्किन टाइप आती है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। अब काफी सारे लोगों को ना पता ही नहीं होता कि कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी है, लाइक उन्हें लगता है कि हमारे टी जोन एरिया में, तो ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं टी जोन एरिया और सी जोन एरिया। तो ये अगर आप इस तरीके से टी बनाएंगी ना, तो आपका जो फोरहेड का इतना हिस्सा प्लस नोज चिन, ये आपका टी जोन एरिया में आता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा सी जोन एरिया, ठीक है। तो ये दो जोन होते हैं हमारे फेस में। तो आप इसका कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, उसे एक घंटे तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अगर टी जोन एरिया में ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है और सी जोन एरिया आपका ड्राई या नॉर्मल है, विच मीन्स यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, क्योंकि आपके सिर्फ टी जोन एरिया में ही ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, पूरे फेस पर नहीं हो रहा है, विच मीन्स आपकी जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। ऐसे स्किन टाइप वालों के जो ब्लैकहेड्स होते हैं वो कभी कभी हो भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता। बट आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो टी जोन एरिया है वो ऑयली होगा, और आपको जो सी जोन एरिया है, विच मीन्स जो आपके चीक वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, वो आपका नॉर्मल या फिर ड्राई हो सकता है, ठीक। तो आप इस तरीके से जान सकते हो कि आपकी जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के अंदर आ रही है। फोर्थ हमारा आता है नॉर्मल स्किन टाइप। नॉर्मल स्किन टाइप वाले तो एकदम मस्त रहते हैं, एकदम चिल आउट रहते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा क्लियर होती है, बिल्कुल भी ब्लेमिशेस नहीं होते हैं, ब्लैकहेड्स की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड वो टेंशन फ्री कुछ भी ऑयली खा सकते हैं, कहीं भी बाहर जा सकते हैं, उन्हें टेंशन नहीं है कि पॉल्यूशन से मेरे ब्लैकहेड्स हो जाएंगे, व्हाइटर्स हो जाएंगे। तो ये वाली स्किन टाइप जो होती है ना सबसे बढ़िया होती है एंड सबसे ज्यादा चिल आउट होती है, इनको कोई टेंशन
टेंशन ही नहीं होती, और एक हम है, हमें कभी पिंपल की टेंशन नहीं है, कभी ब्लैकहेड्स की टेंशन नहीं है। फिफ्थ अब जो टाइप आया है विच इज अ सेंसिटिव स्किन टाइप, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। सो, ये एक स्किन की कंडीशन होती है। आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा, किसी की स्किन बहुत ज्यादा रेड होती है, लाइक उनकी स्किन में बहुत ज्यादा रेडनेस होती है, बहुत ज्यादा लाइक एलर्जिक होते हैं वो किसी प्रोडक्ट को लेके पर्टिकुलरली, एंड वो कोई भी प्रोडक्ट एकदम से यूज नहीं कर सकते अपनी स्किन में, क्योंकि हो सकता है कि उनकी स्किन कैसे रिएक्ट करे वो खुद भी नहीं जानते, एंड इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेशन होने लगती है अपने स्किन में कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करके। तो हो सकता है कि ये जेनेटिकली भी हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो, ये थे हमारी 5 स्किन टाइप्स, एंड आई होप कि अब आपको 5 स्किन टाइप अलग अलग से समझ में आ गए होंगे। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्किन टोन एंड स्किन अंडरटोन्स के डिफरेंस के बारे में। सो, उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज आपको स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन कैसे यूज करने हैं, या फिर आपको करेक्ट शेप कौन सा हो सकता है आपकी फाउंडेशन का, वो कैसे चूज करना है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, प्लस आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं नए नए मेकअप लुक्स के लिए। सो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।